हेलो स्टूडेंट्स नउ वी आर स्टार्टिंग एन अनदर टॉपिक आफ्टर इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है देखो क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है मूव कर रहा है या अपने पाथ कंप्लीट कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड ठीक है हम बोल रहे हैं वेन एन ऑब्जेक्ट मूवज इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड ठीक है यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप ये बोल सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम टाइम के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का स्पीड uh, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या नहीं होनी चाहिए चेंज नहीं होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद ए स्पीड ऑफ लेट वी से फोर्टी मीटर पर सेकेंड ठीक है फोर्टी मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट है वो एंटी एंटीक्लोकवाइट डायरेक्शन में एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने लग जाता है

एग्जाम्पल ऑफ एक्सलरेटिड मोशन एक्सलोरेटिड मोशन ठीक है ये आपको शो करके दिखाना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सोरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है ठीक है तो इसको शो करने के लिए हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं लेट वी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट हाओ ए मोशन बिकम्स एक्सलरेटेड ठीक है कैसे एक मोशन एक्सलेटेड मोशन बनता है तो एक्सलरेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको एक्सलरेशन बोला जाता है ठीक है एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इन टू वेज ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दो तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं फर्स्ट बाई चेंजिंग चेंजिंग मैग्नीट्यूड ठीक है first, बाई चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्निट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेकेंडली बाई चेंजिंग बाई चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन करके हम लोग चेंज कर सकते हैं ठीक है तो दो वे हम वेलोस्टिक को चेंज कर सकते हैं अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज भी चेंज हो जाती है इन दैट केस वेलोसिटी वुड बी चेंज ठीक है और वेलोसिटी चेंज हुई तो मोशन को हम क्या बोलने लग जाएंगे एक्सोलेटेड मोशन बोलने लग जाएंगे ठीक है तो कैसे स्टडी करें तो सबसे पहले समझ समझते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता रहता है ठीक है तो अगर हमने यूसीएम मोशन बोल दिया उस ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया तो वन थिंग दैट हैज बीन फिक्स्ड इन वेलोसिटी दैट इज मैग्नीट्यूड हैज़ बीन फिक्स्ड ठीक है जब भी आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एलोस्टी को क्या कर दिया है फिक्स कर दिया जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है वो फोर्टी मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब फोर्टी मीटर पर सेकेंड इज फिक्स एट ईच इंस्टेंट ऑफ दिस सर्कुलर मोशन ठीक है इस सर्कुलर मोशन के हर इंस्टेंट के ऊपर क्या फिक्स कर दिया आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या कर दी फिक्स कर दी ठीक है तो सेकेंडली हो क्या सकता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेटवी से वो ऑब्जेक्ट आर रेडियस का सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो जब भी कि उस ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी पी पॉइंट के लिए किसी भी क्यू पॉइंट के लिए किसी भी कैपिटल आर पॉइंट के लिए किसी भी एल पॉइंट के लिए उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन निकाली जाएगी यह बात इंपॉर्टेंट है ठीक है कि व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन वी वी ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट उस पी पॉइंट पे अगर निकालनी है तो पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं टी वन अगर क्यू पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालनी है तो क्यू पॉइंट पर डायरेक्ट टेंजेंट ड्रो कर देते हैं आर पॉइंट पर निकालनी है तो आर पॉइंट पे, पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं टी थ्री ठीक है और अगर एल पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है तो टी फोर एल पॉइंट तो हम समझे क्या इससे हम ये समझे कि उस सर्कुलर पाथ के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन इज चेंजिंग ठीक है डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज हो रही है और एक सर्कुलर पाथ के ऊपर या एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर देते हैं ठीक है तो अगर आपने इनफाइनाइट टेंजेंट्स एक सर्कल सर्कल पर ड्रॉ किए तो द डायरेक्शन वुड आर गोइंग टू चेंज इन फाइनाइट टाइम्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ठीक है सर्कुलर पाथ के ऊपर डायरेक्शन भी कितने टाइम चेंज होगी इनफाइनाइट टाइम तो मैं यहां पर लिख देता हूं द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन विल चेंज विल चेंज इन फाइनाइट टाइम्स विल चेंज या चेंजेस इन फाइनाइट टाइम्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑन ए सर्कुलर पाथ एक सर्कुलर पाथ के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना कितनी बार चेंज होती है सर्कुलर पाथ के ऊपर इनफाइनाइट टाइम चेंज होती है इसका मतलब डायरेक्शन अगर इनफाइनाइट टाइम चेंज होती है तो वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलर पाथ या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर आर्क वो भी इनफाइनाइट टाइम्स क्या होगी चेंज होगी और अगर वेलोसिटी इनफाइनाइट टाइम चेंज होगी तो द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी सर्कुलर मोशन तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है अगर किसी को ये बताना है आपको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सलेटेड uh, मोशन का एग्जाम्पल है तो उसको बता दो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सलेटेड तब हो सकता है एक ऑब्जेक्ट का मोशन जब उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती हो और वेलोसिटी को चेंज करने के पास था, 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 वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमारे पास दो वेज है फर्स्ट है मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं सेकंड बाय चेंजिंग डायरेक्शन ठीक है क्योंकि हम लोग सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म बोल रहे हैं इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वुड बी फिक्स्ड ठीक है आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर बोल दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन क्या हो गया फिक्स हो गया तो हम किसको चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन को ठीक है एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन इजीली बी चेंज कैन इजीली बी चेंज नहीं डज चेंज डायरेक्शन चेंज इज इनफाइनाइट टाइम्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ठीक है सर्कुलर पाथ पे इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्शन चेंज होती है अगर इनफाइनाइट टाइम डायरेक्शन चेंज हुआ तो इनफाइनाइट टाइम्स वेलोसिटी भी चेंज होगी ठीक है और इनफाइनाइट टाइम वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्स मोशन कैसा हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा ठीक है इस एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर अगर ये निकालना हो कि द टाइम टेकन टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ वन सर्कुलर पाथ एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा वो ऑब्जेक्ट तो सिंपल है फॉर्मूला लेट टी टाइम लेता है वो ऑब्जेक्ट ठीक है तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन वन सर्कुलर पाथ तो वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगी टू पाई आर डिवाइडेड बाई द स्पीड विद विद विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, है ना वो वी स्पीड से मूव कर रहा है तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ आ जाएगा टू पाई आर डिवाइडेड बाई वी के बराबर इजी है ठीक है

इलिप्टिकल पाथ अर्थ सन के राउंड इलिप्टिकल पाथ के अंदर क्या करती है ठीक है ठेके? लेकिन वो की के round, इतनी कम है कि हम लोग ऐसा अर्थ है रिवोल्व करती, करती है और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ऊपर लगता है पाथ के, के अंदर मूव करता है तो एक होती है उस फोर्स को हम लोग फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे थोड़ा सा नाम बता रहे हैं यहाँ पे उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स ठीक है और उस सेंट्री दैट सेंट्रीपेटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट टुवर्ड्स सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ क्या करता है एक्ट uh, करता है तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो, हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का या सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ठीक है नेक्स्ट आप ले सकते हो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मोशन ऑफ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ठीक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का भी मोशन अर्थ के अराउंड क्या होता है कोई भी एक सैटेलाइट ले लेते ले हैं मान लेते हैं मैंने आ, कोई भी हैं इनसेट वन ले लिया ठीक है तो वो सर अर्थ के राउंड कैसे पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा क्लियर है ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ठीक है यही इन्हें एटम एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के राउंड कैसे पाथ में रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में करता है, है? ठीक तो जहां भी सर्कुलर पाथ हो रहा है वहां सब जगह एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस नेसेसरी रिक्वायर्ड फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स बोला जाता है दैट से, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट द सेंटर उस देखो उसके एजेंट अलग अलग हो सकते हैं जैसे उसका फोर्स होता है इलेक्ट्रोसिटी के इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं ठीक है यहां होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं यहां अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को क्या करता है कंप्लीट करता है तो ईजी है ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ठीक है एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं देखो इसके ऊपर तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ आर्थलेटवी से ठीक है एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ऐसे ठीक है ऐसे मैंने आर्टिफिशियल सेटेलाइट दिखा दिया अर्थ मैंने यहाँ कंसिडर कर दी ठीक है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस मैंने यहाँ आर से डिनोट कर दी और वो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट दे रखी है फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर के बराबर उस आर्टिफिशियल सेटेलाइट की क्लियर है ओके कैलकुलेट्स इस लीनियर स्पीड आपको उसकी आर्टिफिशियल सेटेलाइट की लीनियर स्पीड को क्या करना है फाइंड आउट करना है मतलब स्पीड निकालनी है ठीक है इफ टाइम टेकन बाई द सेटेलाइट टू कंप्लीट इट्स वन रिवोल्यूशन इज ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है कि अगर वो सेटेलाइट अपना एक कंप्लीट सर्कल ट्वेंटी फोर आवर्स में क्या करता है कंप्लीट करता है ठीक है तो आपको वेलोसिटी निकालनी है स्पीड निकालनी है तो स्पीड ऑफ द सेटेलाइट वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेटेलाइट इन वन सर्कुलर पाथ तो हो जाएगा टू पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई द सेटेलाइट टू कंप्लीट इट्स वन सर्कुलर पाथ हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी ठीक है तो टू इट इज पाई ट्वेंटी टू ओवर सेवन इट इज ठीक है इन टू आर हो गए यहां पे रेडियस ठीक है तो यह रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ था आपके पास फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन ट्वेंटी फोर आवर्स है इसको मैं में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थर्टी सिक्स हंड्रेड से ठीक है तो थर्टी सिक्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने के बाद स्पीड स्पीड लीनियर द बादलाइट आ जाएगी आप इसको कैलकुलेट कर लेना ये हो जाएगी थ्री पॉइंट वन किलोमीटर पर सेकेंड इसका मतलब द सेटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्वाइट फास्ट या रिवॉल्विंग विद लीनियर वेलोसिटी ऑफ थ्री पॉइंट वन किलोमीटर पर आर इतनी वेलोसिटी से क्या कर रहा है मूव कर रहा है सेटेलाइट ठीक है मूविंग ऑन टू अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सर्कुलर ट्रैक हैज ए फ्रेंस ऑफ 314 मीटर ठीक है एक सर्कुलर ट्रैक ऐसे दे, दे रखा है ठीक है सर्कुलर ट्रैक का तो यहां हम लिख देते हैं गीवन सरेंस ठीक है ट्रैक इज थ्री हंड्रेड फोर्टीन मीटर यह गीवन है सरकमफ्रेंस ठीक है ओके विद ए एन बी वन ऑफ इट्स डायमीटर तो इसका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसका एक डायमीटर दे रखा है ये वाला क्लियर है ओके ए ए ट्रेवल्स फ्रॉम टू बी अलोंग द सर्कुलर पाथ एक साइकिलिस्ट है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और ऐसे एंटी एंटीक्लोकवाइड डायरेक्शन में बी पॉइंट तक आता है ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है वो बी पॉइंट तक आता है बी से आगे नहीं जाता है वो ठीक है तो आपको निकालना क्या है इफ द वेलोसिटी कॉन्स्टेंट इफ द वेलोसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड

साइकिल कितनी डिस्टेंस मूव करता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस तो जनरली मैं यहां पे क्या मान के चल रहा हूं लेट डिस्टेंस मूड को मैं क्या लिख रहा हूं सरकमेंस क्योंकि गीवन है, उस फैक्ट का यूज कर रहा हूं मैं ठीक है हाफ ही है तो मैंने कंप्लीट सरकमफ्रेंस ले ली मतलब ए से पॉइंट तक सरकमफ्रेंस ऑफ द ली डिवाइडेड बाई मैंने उसको पाई कर दिया पाई का मतलब क्योंकि उसने आधा एंगल ही कवर किया है थ्री सिक्सटी का ठीक है इसको आप ऐसे समझ ऐसे में नहीं आएगा सरकम अगर मान लेते इस आ, सर्कुलर पाथ का रेडियस आर होता लेटवी से ठीक है तो सरकम फ्रेंस हो जाने चाहिए था इस आ, सर्कुलर पाथ का टू पाई आर के बराबर ठीक है डिवाइडेड बाई पाई करता मैं ठीक है तो ये डिवाइडेड बाई पाई हो गया पाई से पाई क्या हो जाता कैंसिल हो जाता तो ये आपके पास आ जाता टू आर के बराबर ठीक टू आर आ जाता ठीक है और टू आर बोल दो या इसको या आप ऐसे, ऐसे समझ लो काट नहीं है तो आप ऐसा समझ लो कि मान लेते हैं सरकम ऑफ द आपने मान लिया डिवाइडेड बाई पाई मान लिया क्योंकि सरकम ऑफ द साइकिलिस्ट गिवन है थ्री मीटर के बराबर डिवाइडेड बाई ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर शायद आपको डिफाइंड है किसकी वैल्यू सरकम का आधा कर दो